एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हेयर स्टाइल का वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि हेयर स्टाइल टूल की मदद से बनाने वाली हूँ। और चार बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। शादी में, पार्टी में काफ़ी अच्छी लगेंगी। और चारों हेयर स्टाइल एक से एक हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत आसान तरीके से कोई भी बना सकता है ये सारे हेयर स्टाइल। तो इस हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से, सिर्फ एक हेयर स्टाइल टूल की मदद से चार पार्टी वियर बंद हेयर स्टाइल में बताऊंगी। तो जो भी आप ट्राई कीजिएगा, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड जो मेरा सेकेंड चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, उस पर भी मैं अमेजिंग ड्रेस की वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ, ब्लाउज डिजाइन की, तो जाकर वहाँ पर भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो जल्दी से ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ओनली वन हेयर स्टाइल टूल की मदद से फोर अमेजिंग हेयर स्टाइल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस एक हेयर स्टाइल टूलिंग की वजह मदद से डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल्स। तो चलिए कैसे स्टार्ट करना है वो बताती हूँ। और जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो सबसे पहले आपको बालों को कॉम कर लेना है। फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं हाई बना के दिखा रही हूँ। जितना हाई आपको रखना है वो आपकी चॉइस है। कॉम करने के बाद से यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा लेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद ये वाला हेयर स्टाइल टूल्स लेंगे एंड बालों के अंदर इस तरीके से इन करेंगे। उसके बाद से इस तरीके से इसको पलट के अच्छे से जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको अंदर हाइड करते हुए इस तरीके से लेके जाएंगे। और बैक साइड में इसका जो ये दिया हुआ है इसको आपस में लॉक कर देंगे और ऐसे पूरा राउंड करके अच्छे से बालों को सरकाते हुए इसको हाइड कर देंगे। और एक यू पिन की मदद से इस तरीके से अच्छे से सरकाते हुए बालों को पूरा इसको हाइड कर लेंगे और एक यू पिन की मदद से इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, जो कि वन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बन गया है। तो इस तरीके की यू पिन ले लेनी है। और जैसे हमने पीछे में जो सेट किया था उसका थोड़ा सा हेयर लेना है एंड स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच करके ऐसे लगा देना है। और एक यू पिन आप फ्रंट में भी लगा लेना इस तरीके से। ओके, आप चाहो तो दो तीन यू पिन और ऐड कर सकते हो। एक यहाँ से और एक इस साइड से, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा इससे आपका जो बन है वो। और थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल इस हेयर स्टाइल टूल की मदद से बन के रेडी हो गया है। तो कैसा लगा फर्स्ट हेयर स्टाइल मेरा? और चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इस हेयर स्टाइल टूल की मदद से काफ़ी बड़ा सा और खूबसूरत सा हाई बन के रेडी हो जाएगा आपका। चाहो तो ट्राई कर लेना, ट्राई करना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल भी हाई पोनीटेल से ही करेंगे। तो यहाँ से हेयर को इस तरीके से, ये हेयर स्टाइल टूल्स जो आता है इसको इसके अंदर इन करेंगे। सारे हेयर्स को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हेयर स्टाइल टूल के अंदर इस तरीके से। ओके, अब हल्के हल्के हाथों से इसको खींच लेंगे। दूसरी साइड में पूरा निकाल लेना है। ओके, उसके बाद से आपको ये वाला हेयर स्टाइल टूल लेना है और इसके अंदर हेयर को अच्छे से फंसाना है। ओके, और इस तरीके से इसको अगेन ट्विस्ट राउंड राउंड से लपेट लेना है। जिधर आपकी पोनी है उसी तरफ से इसको लपेटना है। एक्स्ट्रा हेयर को अच्छे से हाइड कर दीजिएगा। मेरे छोटे छोटे हेयर्स हैं वो निकल जा रहे हैं, तो
इस तरीके से आप उसको हाइड कर लीजिएगा। देन अच्छे से इसको फैलाते हुए पूरा जो हेयर स्टाइल टूल का एंड पॉइंट है वहाँ तक लेके आना है और यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। इसमें 3-4 यू पिन्स लगेंगे आपके हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्टिंग और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। बैक साइड में भी अच्छे से यू पिन से इसको हाइड कर लेना है। अच्छे से यू पिन्स लगा लेना है ताकि जो हेयर स्टाइल है टूल्स है वो निकल ना जाए। तो बैक साइड का तो मेरा अच्छे से हाइड हो गया, फ्रंट में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे चिपकाएंगे हेयर स्टाइल टूल्स को और हेयर स्टाइल टूल्स का जो कपड़ा है उसके अंदर यू पिन्स को डालते हुए आप अच्छे से लगा लोगे तो ये अच्छे से हाइड हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी हेयर स्टाइल लंबे टाइम तक रखने के लिए। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि पिन की ज़रूरत है वहाँ पे आप पिन अटैच कर लेना। वाओ, तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल अच्छे से बन के रेडी हो चुका है वन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है ये। आप इसको लंबे टाइम तक रख सकते हो। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का है। आप चाहो तो इसमें हेयर स्टाइल सजाने के लिए जो यू पिन्स वगैरह आते हैं वो ऐड कर सकते हो या फिर जूड़ा जो गजरा वगैरह आता है वो भी साइड में एक साइड में ऐड कर सकते हो। या तो इस साइड में ऐड करो या फिर इस साइड पे ऐड करो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये हमारा सेकेंड वन हेयर स्टाइल है ओनली वन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, इस साइड से ऐसा लुक है, मैसी सा लुक है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है और अभी ट्रेंड में भी चल रहा है। और बैक से कुछ इस तरीके का लुक है और इस साइड से ऐसा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला हेयर स्टाइल और आप भी ट्राई करना, एक दो बार ट्राई करोगे तो बन जाएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में मैं यहाँ पे बीच की मांग करूँगी और एक लो पोनीटेल बना लेंगे। आप चाहो तो फ्रंट में कोई हेयर स्टाइल मतलब फ्रंट हेयर स्टाइल दे सकते हो जो भी आपको पसंद हो, पफ ट्विस्टिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंपल सा बता दे रही हूँ जो हमने सेकेंड हेयर स्टाइल किया था इस तरीके से कुछ आपको कपड़े के अंदर यू पिन्स ऐड करना है। अगेन इसको इस तरीके से सिंपल तरीके से हेयर स्टाइल टूल्स को ले लेना है, एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे और इसको इस तरीके से लपेट लेंगे, ऊपर की तरफ से लाके लॉक कर देंगे और इसको फैलाते हुए यू पिन से यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये सुंदर सा आपका लो बन रेडी हो जाएगा जो कि साड़ी के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा आप इस तरीके से अगर बनाते हो तो। वाओ, तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है ओनली वन हेयर स्टाइल टूल की मदद से। काफ़ी प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी प्यारा है। आप मार्केट शॉपिंग या फिर शादी पार्टी में भी आप ये बना सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो हेयर स्टाइल ज़रूर बताइएगा। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल मैं साइड पार्टीशन से करूँगी। साइड पार्टीशन निकालेंगे, यहाँ से लेयर्स निकाल लेंगे। आप चाहो तो फिर से अगेन अब मैं बोल रही हूँ कि आप कोई ट्विस्टिंग वगैरह कर सकते हो साइड से इस तरीके से।
अगर पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हो तो ट्विस्टिंग वगैरह अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके भी दिखा दे रही हूँ, आप कोई भी हेयर स्टाइल फ्रंट में कर सकते हो इस हेयर स्टाइल्स की टूल, हेयर स्टाइल टूल से अगर हेयर स्टाइल बनाना है तो। यहाँ पे दो क्लिप की मदद से, बॉबी क्लिप की मदद से ट्विस्टिंग को लॉक करेंगे, सारे बालों को एक साइड में ले आएंगे। ये लेयर्स ज़रूर निकालिएगा। अब यहाँ पे एक रबर बैंड ऐड करेंगे, ओके। अगेन ये हेयर स्टाइल टूल लेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे एंड ट्विस्ट करके इसको फिर से लॉक कर देंगे, और हेयर्स को इस तरीके से फैलाते हुए ऊपर तक लेके आएंगे। और जहाँ पे हमने लॉक किया है वहाँ तक लेके आएंगे, और यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, ओनली वन हेयर स्टाइल टूल की मदद से। इसके साथ आप गजरा या फिर कोई भी फ्लावर्स ऐड करोगे तो काफ़ी अच्छा पार्टी का लुक आ जाएगा। वेडिंग सीजन चल रही है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अगर आप गर्ल्स हो, गाउन वगैरह पहन रहे हो, तो ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा आप पे। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है ओनली वन हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से। लेयर्स निकालिए, लेयर्स अगर लॉन्ग हैं तो कर्ल्स कर लीजिए, बहुत ही प्यारा लुक आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं पाँचवें हेयर स्टाइल की तरफ। आज के लिए ये चार हेयर स्टाइल थे जो कि इस हेयर स्टाइल टूल की मदद से मैंने बनाए। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप लोगों को हेयर स्टाइल पसंद आता है तो, और आप ट्राई करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।